बिहार विधान परिषद चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब सबकी निगाहें बोचहा उपचुनाव पर टिकी हुई है। बोचहा में एनडीए के तरफ से बीजेपी की उम्मीदवार बेबी कुमारी चुनावी मैदान में हैं। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आज बीजेपी के कैंडिडेट वहां प्रचार करने पहुंचे। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह आज चुनावी जनसंपर्क करते हुए दिखाई दिए। आरसीपी सिंह ने आज बोचहा में जनसंपर्क अभियान चलाया और चुनावी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। बोचहा पहुंचकर बीजेपी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित और लोगों से नीतीश कुमार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करने की बात उन्होंने कही। आरसीपी सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों को परिवारवाद से कोई मतलब नहीं है। पीएम मोदी देश के लिए लगातार काम करते रहते हैं, प्रधानमंत्री अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं करते बल्कि पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। यही हाल बिहार के नीतीश कुमार का भी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरंतर बिहार की सेवा की है, उनके ऊपर कोई भी परिवारवाद का आरोप नहीं लगा सकता है, जबकि बाकी लोग परिवारवाद के चक्र में फंसे हुए हैं। आरसीपी सिंह ने कहा कि अगर बोचहा में विकास की धारा को लोग हमेशा जारी रखना चाहते हैं तो बीजेपी उम्मीदवार बेबी कुमारी का साथ देना चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं मांगते बल्कि एनडीए सरकार के तरफ से किए गए विकास पर समर्थन मांग रहे हैं। आरसीपी सिंह ने जनता दल यूनाइटेड के तरफ से चुनाव प्रचार करने वाले जेडीयू के पहले बड़े नेता है। अब तक राज्य कैबिनेट में शामिल जेडीयू का कोई भी नेता वहां प्रचार करने नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल को वहां पहुंचने वाले हैं और उनका कार्यक्रम है नीतीश कुमार प्रचार के आखिरी दिन बोचहा जाएंगे। 12 अप्रैल को मतदान होने वाले हैं और 6 अप्रैल को मतगणना होगी। बोचहा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी से बेबी कुमारी और राष्ट्रीय जनता दल से अमर पासवान और वीआईपी से पूर्व मंत्री रमई राम की बेटी गीता कुमारी मैदान में हैं। तेजस्वी यादव भी लगातार प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो बोचहा भी गए थे और वो वहां से अपने प्रत्याशी अमर पासवान के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दिए थे। तेजस्वी यादव इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा था। 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोचहा जा रहे हैं और वो अपने प्रत्याशी बेबी कुमारी के लिए वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। लेकिन नीतीश कुमार से पहले आज बोचहा में आरसीपी सिंह पहुंच गए और बेबी कुमारी को वोट देने की उन्होंने अपील की है। और अधिक अपडेट के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।